कल मुझे ना अब उसको जाना है डाइट लेने के लिए, तू चल रही हो दीक्षा? मैं चल लूंगी, मैं चल लूंगा। अरे ये नहीं उठी तो प्रथम को ले जियो, ये ले जाएगा तेरे को। अरे इससे स्कूटी पे उठूंगी क्या मैं? तू तो ऐसे कह रहे, तेरे को कंधे पे बिठा के लेके जाएगा, स्कूटी पे धर के लेके जाएगा, जो बिगड़ेगा स्कूटी का बिगड़ेगा। अरे फिर ना तेरा बिगड़ रहा ना इसका बिगड़ रहा, बिल मेरा फटेगा। फटे ना फटे मेरी स्कूटी मत लेके जाना, वो स्टार्ट भी नहीं हो रही है सेल्फ स्टार्ट, तो मेरी नहीं लेके जाना। तुम चल लेना, तुम्हारा बिल बच जाएगा, तुम चल लेना आराम से। सेफ्टी से बीबी रिक्शा पकड़ 5 रुपए लेती है, 5 क्या तेरे तो 40 लेगी, तू 8 ढूंढ है। वैसे आप कोई आप लोग दमाद ढूंढो ना तो पहले ही उससे पूछ लेना कि हमारी बेटी को ऐसे तो नहीं बोलेगा कि रिक्शा पकड़ और चल। गलती 26 साल बाद ना वो मैं नहीं करूंगी, पहले पूछ लूंगी मैं इस बार। पहले क्वेश्चंस रेडी कर लो होने वाले दामाद के, आप भी बीती है ना हाँ। वो सारे क्वेश्चंस मैं भी क्वेश्चंस रेडी कर लूंगी। एक ई रिक्शा खरीद के दे देता हूँ, लो तू जहाँ आना जाना हो अपने स्टार्ट करी और सुनो, उसमें म्यूजिक भी लगा देना, मम्मी गाने सुनते हुए घूमेंगे हम पूरी दिन। लगा दूंगा अब जैसे सने है ना, जीजा जी को उन वाले जी को गाड़ी चलानी नहीं आती, तो सने को हमेशा ये रहता था मेरे हस्बैंड को गाड़ी चलानी, देखो ना चलानी है तो इंसान डिपेंडेंट रहता है। बात आई रितिका के रिश्ते की, तो उसको ये था कि तेरी गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती लड़के को, पर उन्होंने पूछा नहीं। तो बाद में जब वो गाड़ी चला के लेके गए ना, तो वो उछलने लग गई कि आती 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 है, तो मौसा जी कहते उसके ससुर तेरे ड्राइवर चाहिए था। हाँ जो अपनी चीजें थोड़ी बहुत इनकम्प्लीट वो लगता है होती है कि जो अपने को नहीं मिलता लगता है कि हमारी बेटी बटन टांकने वाला भी पूछ लेना। चल तेरे को वो भी 4-व्हीलर है, नहीं रिक्शा 3-व्हीलर है। पापा सुनो, चल तू 3-व्हीलर बहुत है तेरे को, चली जाइए। सुनो मेहमानों से पता है कितने काम हो रहे हैं आज, बटन भी मेहमानों ने टाका है मेरे इसका नाइट सूट का। वो तो बनाओ, मेहमान को तुमने इतना बिजी कर दिया, 4 बजे तक तो अगले को नहाने का टाइम नहीं मिला। हाँ मैं 1 बजे नहा लिया, 1 बजे चल 1 बजे तक भी इसको नहाने का टाइम नहीं मिला था, 2 बजे तो मैंने देखा था नहाने का। थालियों को तुम सुबह ही नहा लेते हो और ये बेचारा इसको टाइम नहीं मिलता नहाने का। यहाँ तुमने इसे इसलिए बुलाया, सारे घर के काम कराओ। ज्यादा मत बोलो, उसके पापा वीडियो देख के बुला लेंगे इसको वापस, हम कोई काम नहीं करा रहे। ये अपने फायदे के लिए है या हमारे ब्लॉगिंग करने आए, ये अपने ब्लॉग बना के सुनो कमाने आए, ये हमारे मिलने नहीं आए या आईडी से तो अपनी वीडियो चाहता ही। सुनो अब हमने, मैंने प्रथम और सोनिका ने सोचा हम 3 ब्लॉगर मिलके अब गाड़ी उठा के जाएंगे, और हमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ सोएंगे, बस हम जाएंगे। ठीक है आपकी गाड़ी लेके वो तो कोई नहीं, बाप के पास गाड़ी नहीं है, नहीं चलाएंगी दीदी ना, इससे क्या मतलब है। और मम्मी हम कहाँ रुकेंगे, कितने रुपए, हम ऐसे प्लान करेंगे जैसे 2,000 रुपए तीनों ने मिलाए, तो अब हमें उस 2,000 रुपए में हमें 2 दिन गुजारा चलाना है। 2,000 रुपए में ऐसा मतलब हम टारगेट रखेंगे कुछ भी, 2,000 रुपए में 2 घंटे गुजारा चला के दिखा दे तो मैं मान जाऊं। मैं 10,000 दूंगा है ना। हाँ तू 2 घंटे 2,000 चला के दिखा दे तो मैं तेरे को 10,000 दूंगा। मम्मी लाओ 2,000 रुपए दिलवाओ पहले, मैं 2 घंटे सो रही हूँ। अपने खर्च कर ले, कुंवर रोक के दिखा। सुन ठीक है, मैं 2 घंटे सो रही हूँ। 2,000 घूमने निकल, 2,000 रुपए क्वांटिटी डाली तो मैं भी उसके अंदर ही हूँ। चलोगे फिर आप भी हमारी गाड़ी में, फिर हमें नहीं पता हम कहाँ सोएंगे कहाँ रुकेंगे। गाड़ी में सोना पड़ेगा, मैं भी चलूंगा। तुम तो रहना, 5,000 रुपए मैं मेरी कंट्री के दूंगा। रहने दो, हम 3 ब्लॉगर्स ही जा रहे हैं, गेस्ट हाउस बुक करा दूंगा, रहना खाना तुम्हारा। नहीं रहने दो, हम दीदी डिक्की में सोएंगी, मैं बीच में सोने का दे दिया। दीक्षा दीदी डिक्की में, ड्राइवर को डिक्की में सुलाएंगे। सो जाऊंगा गाड़ी, सुने मेरी माँ को छत पे मत सुला दियो, छत नीचे आ जाए तुम्हारे। मम्मी चले, तुम फ्लैट हो गए। सुनो मम्मी को गाड़ी के नीचे सुलाएंगे ताकि हम सारे सो के वो दबे ना गाड़ी। अगर तुमने छत पे सुला दिया तुम अंदर सो रहे हो, तुम फ्लैट हो जाओगे। तुम्हारी बीवी अब यू हो रही है, बेटी यू हो रही है, ये यू बड़े तीज भैया ले गए भवन ले लिए पूत, हम तो रह गए ऊत के ऊत। ये मेरे मेरे को ये नहीं पता कि धी बेटी लोटे ही लुट दिया, कोई अपना नहीं है काम, ये बुढ़िया ही आएगी तुम्हारे, क्या सोच रखा है तुमने। और पिज्जा सॉस फ्रेंड्स, ये इसमें पिज्जा सॉस और क्या चीज स्प्रेड मिक्स कर रहे हैं, भावेश जी बना रहे हैं रेसिपी, और ये इन्होंने बॉईल कर लिया मटर और कॉर्न, और ये शीट लेके आए थे रैप के, किसके लिए रैप के लिए, तो ये शीट ले लिया, ये निकाल लिया, और अब क्या कर रहे हैं, भाभी जी की रेसिपी है फ्रेंड्स, ये तेल गरम हो रहा है, तो तेल हो रहा है गरम, ऑयल टिक्की है, और फ्रेंड्स ये रेडीमेड टिक्की है, इसको ये तलेंगे और से बनाएंगे रैप।
फ्रेंड्स ये ऑयल हो रहा है गरम, अच्छी तरह से उबल रहा है और इसमें टिक्की तली जाएगी। ये रेडीमेड टिक्की ली है। ये प्रथम गुप्ता जी भी खड़े हुए हैं यहाँ पे और ये इन्होंने सॉस तैयार कर लिया और बन रहा है रैप। तो फ्रेंड्स ये हो रही है टिक्की। फ्रेंड्स ये टिक्की हो रही है डीप फ्राई, रेडी में टिक्की ले ली है भावेश जी ने और अब इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। कुछ कुकिंग सीख ले, मैनर सीख ले कुछ थोड़े बहुत। बटर नान आता है मुझे, बटर नान बटर बटन बटन भी ये भी आता है मुझे। बटन मुझे बहुत चीज आती है। भावेश जी की रेसिपी देख के मुझे लगता है कि लड़कों को भी थोड़ा बहुत काम आना चाहिए, कि जरूरी नहीं है कि लेडीज ही किचन का काम करें। तो मेरे बेटे को भी सारा काम किचन का आता है, वो भी अपना सब काम कर लेता है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं वो नेक्स्ट क्या कर रहा है। तो फ्रेंड ये टिक्की तली जा रही है, ये तवा रख लिया, ऑयल ले लिया और आई थिंक जो रैप है उनको ये अच्छी तरह से इस पे सेकेंगे। हटना पीछे पीछे हो। टिक्कियां तल चुकी हैं, देखिए कितनी अच्छी प्रॉपर तरीके से तली हैं। और ये रैप भी देखिए हल्का हल्का लाइट ब्राउन कर लिया भावेश जी ने। अब ये हो रहा रैप की तैयारी, ये देखिए सिक चुका है, ये टिक्की हो चुकी है, ये सॉस है, ये पनीर है, ये कॉर्न है। अब चल रही है रैप की तैयारी। असली लग रही है ये सॉस, आप लोग भी सीख लीजिए। अगर मैं डाइट पे ना होती तो मैं खा के देखती, पर फिर कभी खा के देखूंगी जब मैं डाइट पे नहीं होंगी। ये चीज स्लाइस भी आ चुकी है लगने के लिए। अब ये कद्दूकस हो रहा है पनीर। वाह सो यमी। फ्रेंड्स ये लगा दिए कॉर्न और मटर और ये लगा दी है टिक्की। वाह और ये लग रही है इसके अंदर चीज स्लाइस। फोल्ड होकर के देखिए, ऐसे फोल्ड करके इसको तोड़ना है चीज स्लाइस को। सीख लीजिए, मुझे भी नहीं आता ये तो करना। जहाँ से फ्रेंड जो सीखने को मिले उसे सीख लो, बच्चों से मिले बच्चों से, बड़ों से मिले बड़ों से। तो फ्रेंड वाओ ये हो चुका है रेडी, अब ये सीखेगा। पलट के सेक लेना दोनों तरफ से। ये देखिए अच्छे से सेक लिया इसको। कच्ची ये चीजें खाने भी नहीं चाहिए, मैं तो घर कच्चा खा भी नहीं सकती। तो ये सेक लिया अच्छे से और अब इसको पलटेंगे, दोबारा से पलटेंगे सेकेंगे। तेरे तो मजे आ गए, अब ये खाएगा, खा के बता तेरे को पसंद आ रहा है तो। प्रथम गुप्ता जी बताएंगे कि कैसा लग रहा है उनको खा के। वाव खुद शेफ जी खा रहे हैं। और ये प्रथम तू भी कुछ सीख ले, घर पे जाके बना के खिलाई पापा जी को। हाँ बर्फ जमा सकता हूँ मैं। ए भगवान प्रथम पानी गरम कर सकता, पानी भी गरम कर सकता है, पानी गरम कर सकता हूँ। तू कर सकती है। अगेन ये बन रहा है दूसरा सेम मेथड से, तो आप लोग भी बना सकते हैं। इजी था देखो, वो बना बनाया था उसको गरम गरम दोनों चटनी। अरे कई लड़के ऐसे काम भी नहीं करते भाई, इतना भी नहीं करते, बना बनाया हाथ में देने के बाद भी नहीं करते। कई लोगों की बात नहीं सकता भैया, देखो सीख गया, मैं भी सीख गया। वो मेरा छोरा इसलिए है। अब काफी लोग ये वीडियो देख के भी सीख गए। तू मेरे भाई का छोरा इसलिए है। अब काफी लोग ये देख के सीख गए होंगे। ओहो सेकंड एंजॉय। ओहो मजे तो तेरे ही हैं, तेरे फूफा जी के घर है पूरी रिपोर्ट जाने वाली तेरे घर। तेरी वीडियो में तेरे नाना के घर, तेरे मामा के घर, तेरे फूफाओं के घर, तेरे ताऊ के घर। अगली बारी वो भी ट्राई करेंगे ना फिर। ये बेटा और बता जी, तेरा मैं आज ट्रिप। हां और बता, ये बात कैसे है गाइस? बज रहे 11:30, घड़ी आ गया और हम लोग आ गए सोनिका के घर कार्ड्स खेलने। अभी तो फोन में एक लड़का था बच्चा, वो दो चूहे वालों को ब्रश भी करवा दी। बेचारी का हाथ चल रहा है गुल्लू का। गाइस ये देखो इसको, बहुत रोई है, बहुत रोई है। तो बाय बाय गुल्ला, बेचारी गुल्लू के हाथ। गुल्लू हैंड्स दिखाओ अपने, गुल्लू हैंड दिखा अपने। बनिए बदनाम है वो, ऐसे बनिए मुझे बदनाम है। गुल्लू हैंड दिखा अपने, देखो इसके जल गए, ये छाले पड़ गए मेरे नून। डे 6 एंड माय डे 6th कुर्ती फ्रॉम लक्षिता ओनली।
तो पहनते हैं। कल भी मैंने क्रीम कलर की पहनी थी, आज भी मैं क्रीम कलर की पहन रही हूँ। तो चलिए फटाफट से होते हैं रेडी, नहाती हूँ एंड आ जाऊँगी, तो निकलते हैं। एंड स्वीट मॉम घर पे नहीं है, वो अपनी डाइट के लिए कहीं गई हुई हैं बाहर। एंड हिटलर फादर आ चुके हैं लंच करने। प्रथम गुप्ता जी बाहर व्लॉग्स देख रहे हैं बैठ के, तो आज प्रथम को नहीं लेके जाऊंगी, आज मैं जाऊंगी अकेली। कितने क्विंटल वजन कम हुआ? क्विंटल जब टनों में होगा तो क्विंटल ही पूछा जाएगा। कुछ नहीं हुआ, एक क्विंटल भी कम नहीं हुआ। तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती, खुद की सेहत देखो। क्विंटल? अरे मैं तो केजी में हूँ, इसके बाद ग्राम्स में आ जाऊंगा मैं। तेरे इधर टनों में थोड़ी हूँ कि क्विंटल कम होगा। आज चंचल जी ने तीन बार मेरी तारीफ करी है, कह रही राखी जी मजा आ गया, कितने टन था, कितने टन था, कितने क्विंटल पे आ गया। दो बार बोला चंचल ने। वाह, तो तू वैसे ट्रक करके गई होगी यहाँ से? ई रिक्शा में तो फिट आएगी नहीं, फिट नहीं आती मैं तो। चलो ठीक है, ट्रक के भी हजार रुपए लगे होंगे किराया। ले लो हजार, एक सेकंड लगे है, ले लो, लाओ। लगी है हजार लगे हैं। पाँच हजार कल ही लिए है तूने? तुम पाँच हजार मुँह और चावल की दाल। रेडी, मैंने अपनी कुर्ती पहन ली है एंड अब फटाफट से निकलेंगे। तो हम, मैं, सोनिका और प्रथम जा रहे हैं झंडे वालन, तो लेंगे दो स्कूटी, तो एक पे रहेंगे सोनिका और प्रथम और एक पे रहूंगी मैं। मेरे को आदत ही पड़ गई है बाकी सारे जानों को। हां बड़ी आदत हो गई है तेरे को, पहले दिन लगा इतना दूर, आप कल तो पता भी लगा यूं पहुंच गए। हां कल काफी पास था या तो जाम नहीं था, आदत पड़ गई। और आज मैंने लगा लिया काजल, तो थोड़ा सा बचा हुआ था उसी को ही लगा लिया। हमारे घर में गाने चला देता है ये, अच्छा लगता है गाना। आपको भी अच्छा लगता है? आप भी डांस करते हैं? हाँ अच्छा, मैं डांस करता बंदा तो अच्छा लगता है। हाँ वैसे कोई बेकार आदमी थोड़ी नहीं करता। खाने विद मिल्क, चलो फिर उसके बाद जाऊंगी झंडे वाला। सोचा कि टाइम लगेगा अभी तो खा के ही चलती हूँ, फिर सीधा आके रात को फास्ट खोलूंगी। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, अब साथ ही है ये। एक्चुअली मैं कपड़े कम दिन के लाया था ना, मुझे पता नहीं था इतने दिन रुकना पड़ जाएगा। चलो अब मैं कल जा ही रहा हूँ, कल शाम को। कल जा रहा है तू? हाँ पागल है क्या? हाँ हाँ कल जाना है, अभी नहीं, तीन चार दिन हो गए ना घर पे, अभी कल कर रहे हैं। अच्छा तो घर में जो तू 365 डेज रहता है? आज लूंगा फिर कीजिए ना, अभी तो खुले हुए हैं। और जो हमारा वो प्लानिंग चल रही है वो भी, कल तो मेरे फास्ट ओवर हो रहे हैं, चलेंगे फिर किसी दिन। अभी स्कूल का भी पता नहीं ना मेरा, रिजल्ट तो मई जून में आएगा। अभी तो बहुत टाइम है, अभी दो तीन महीने हैं, तब तक स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ। दूध ना इतना मांगती हूँ और माँ का दिल इतना देता है। अरे कोई बात नहीं, सारे दिन खाली पेट है, पी ले दूध, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसको कॉल करती, भूल गई। मखाने मेरे मोस्ट फेवरेट है, मतलब मुझे पूरा पैकेट खिला लो भून के। अरे मखाने आएंगे, खत्म हो रहे हैं, पापा को बोलूंगी। नाना जी को बोल दो ना, मामा को। नहीं ये तो यहीं से आएंगे। अच्छा यहीं से आएंगे, तो तू कल चला जाएगा तो घर के काम कौन करेगा हमारे? खुद का काम खुद सीखो। हैं? खुद करना सीखो ना। ये गुल्लू का बैग यहाँ पे क्यों पड़ा, ऐसे लगा रहे वो मेरा है, वो पकड़ा दियो, पकड़ा दे। बहनों अब इतनी ऊपर नहीं, मेरे बस की नहीं है चढ़ना। प्रथम कपड़े देने जा रहे हैं। प्रथम गुप्ता ब्लॉग्स, प्रथम ले इसको जीने में पकड़ के ऊपर पकड़ा दे। तेरी मांग बहुत है, जब आएगा तब कपड़े अभी जाते हुए दे देंगे इसको, दे तू ऊपर ताई के पास, इसका बैग भी ले जा। गुल्लू जा, गुल्लू ब्लॉग तक स्टार्ट नहीं करती मैं गुल्लू के चक्कर में। यार मेरा व्हाइट हेलमेट कहाँ गया? जा ऊपर, नानी बुला रही है, जा चलो।